लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। इसके लिए करीब 900 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार के नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में मतदान 4 बजे समाप्त हो जाएगा। 8वें चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 7 सीटों पर, जम्मू एंड कश्मीर की 2 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों के साथ ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटें और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर मतदान करवाए जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाकर बड़ी बड़ी बातें करने और महाराष्ट्र में इन राज्यों के लोगों को मार कर भगाने वालों से गलबहियां करने वाले मोदी के दो अलग अलग चेहरे हैं। राहुल ने सोनभद्र और मिर्जापुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि मोदी उत्तर प्रदेश और बिहार को शक्ति देने की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं राज्य के लोगों को महाराष्ट्र से मार कर भगाने वाले शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का ये मतलब नहीं है कि देश के सभी नागरिकों पर हिंदू संहिता लागू की जाएगी। मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा, संविधान कहता है कि सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगी। दूसरे महत्वपूर्ण बात में स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता लागू करने का ये मतलब नहीं है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदू संहिता के अंतर्गत लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी पर नीच राजनीति करने के प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा पर प्रियंका के इस आरोप का इस्तेमाल जातिगत राजनीति करने के कांग्रेस के प्रत्यारोप को खारिज करते हुए भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि खासतौर पर भारत के सामाजिक संदर्भ में किया था। इस शब्द के उपयोग से बचा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करने काशी पहुंचे जदयू के अध्यक्ष शरद यादव ने भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैलियों में सरासर झूठ बोला है और अब ऐसी उम्मीद है कि वो बनारस में भी झूठ बोलकर काशी की जनता को ठगने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता को सपने दिखाना और भ्रमित करना मोदी का काम है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर आजमगढ़ संबंधी उनके बयान को लेकर निशाना साधते हुए उन्हें आतंकवादी कहा। लालू प्रसाद यादव ने संवाददाताओं से कहा, अमित शाह एक आतंकवादी है और गुजरात एवं मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे उनका हाथ है। ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिक हिंसा के जरिए देश को जला देंगे। उन्होंने अपना आधार खो दिया है और इसलिए अब अपने असली रंग में दिख रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की 16 मई को होने वाली मतगणना केंद्र की मीडिया को फोटोग्राफ अथवा वीडियोग्राफी करने की मनाही की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आयोग ने कहा कि केवल आधिकारिक रूप से संपूर्ण गणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। मतदान केंद्र की मीडिया को फोटोग्राफ अथवा वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि गणना हॉल में धूम्रपान की भी अनुमति नहीं होगी। गुजरात के बहुचर्चित जासूसी कांड में उस समय नया मोड़ आ गया जब इस प्रकरण की केंद्र बिंदु बनी महिला ने अपने पिता के साथ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और केंद्र तथा राज्य सरकार को अपने जांच आयोग को आगे बढ़ने से रोकने का अनुरोध किया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो शुक्रगुजार है कि गुजरात पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सीबीआई ने टाटा ट्रक खरीद मामले में रक्षा मंत्री ए के एंटनी और प्रधानमंत्री के सलाहकार
टीकेए नायर के बयान दर्ज किए हैं। ये बयान पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह द्वारा इस खरीद को लेकर लगाए गए रिश्वत से जुड़े आरोपों के संदर्भ में दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व सेना प्रमुख ने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम से टाटा ट्रकों को खरीद को मंजूरी देने के लिए एक रिटायर्ड सेना अधिकारी ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। करीब दो साल से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब एंटनी और नायर के बयान दर्ज करने का फैसला किया है, ताकि मामले को बंद करने या फिर आरोप पत्र दायर करने को लेकर जल्द से जल्द अंतिम फैसला लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश आरएस लोढ़ा ने कल की जो अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कल इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि ये सहायता प्राप्त या गैर सहायता अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।